सर मेरा नाम अखिलेश है, मैं कानपुर के उन्नाव जिले से रहने वाला हूँ। मेरी बिटिया को ब्लड कैंसर हो गया है और अभी उसका इलाज हमने करवाया है। 3 से 4 लाख रुपया खर्चे में आया है। अब हमारे बच्चे का मेंटेनेंस लगा हुआ है। हमारे बच्चे को अब डॉक्टर बोले हैं खिलाने पिलाने के लिए, तो हमें उसमें प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। गुड मॉर्निंग। सोचिए आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हैं जो अभी हम लोग हैं, तो सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? यूनियन के माध्यम से क्या हमारे देश में सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है? द आंसर इज नो। पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे देश का सिटीजन्स का इंटरेस्ट सर्व होता है? द आंसर इज नो। हमारे स्कूल या कॉलेज से शायद होता होगा, वो भी आंसर है नो। ये नो क्यों है? इसका कारण है सिटीजन्स का कोई एजेंडा ही नहीं है। सिटीजन सिर्फ फॉलोअर है। किसी नेता ने कुछ कह दिया तो हमको फॉलो करना है, उसने कुछ कह दिया तो फॉलो करना है, धर्म गुरु ने कुछ कह दिया तो फॉलो करना है। तो आपके मम्मी पापा ये डेमोक्रेसी में कहाँ हैं? उनका उम्र 65 क्रॉस कर जाए तो उनको पेंशन कौन देगा? अगर देश का गवर्नमेंट तेल का दाम बढ़ा बढ़ा के नहीं दे सकता, डीजल का दाम बढ़ा बढ़ा के नहीं दे सकता, तो हमारे देश में जितने भी कपड़े बिकते हैं उधर से क्या 5% इसके लिए सिर्फ जितने सारे NGOs हैं उनको रजिस्टर्ड करके गवर्नमेंट के अंडर में लाके, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में ही हैं, पैसा देश के गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट इनको चोर क्यों बोलते हैं? अगर आपके मम्मी पापा को पेंशन देना ही था तो इनका 5% फंड कुड हैव बीन ईजिली ट्रांसफर टू दिस NGOs एंड ट्रांसफर टू पीपल ऑफ इंडिया। ये ऐसा सोच क्यों नहीं पाए? हमारे देश के स्टूडेंट बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, 12% इंटरेस्ट देते हैं, तो हमारे देश के गवर्नमेंट इनको इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों नहीं दे सकते? प्लस उधर से 20% इनकम करते हैं। 12% का बात नहीं कर रहे हैं हम, 20% का बात कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट कैन अर्न इफ़ दे हियर माई आइडिया। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। अगर स्कूल कॉलेज के बच्चे अपने कॉलेज में महीने में एक दिन सिर्फ वेस्ट आके जमा कर देते, उसको बेचकर जो फंड मिलता वो इस बैंक अकाउंट में दे देते। सोचिए हमारे देश में एक बैंक अकाउंट है जो जिसका नाम ही है स्टूडेंट्स बैंक, तो स्टूडेंट्स लोग पैसा इधर भेज देते, 20% गवर्नमेंट इधर से काट के रख देता और बाद बाकी स्टूडेंट्स को विदाउट इंटरेस्ट लोन दे देता। ये स्टूडेंट USA पढ़ने जाता है कि अमेरिका पढ़ने जाता है, रशिया पढ़ने जाता है, यूक्रेन पढ़ने जाता, वो सिर्फ यही पैसा वापस करता। तो यही स्टूडेंट के फंड से जहाँ जहाँ वो पढ़ने जाता है हाई रेंट दे के रहता है, तो वो फ्लैट खुद के पैसे से खरीद लेता। माने ऑल स्टूडेंट्स यूनियन पुट टुगेदर माने इंडिया पुट टुगेदर इन अ बास्केट कुड हैव क्रिएट सोशल कैपिटल, जिनसे ये फ्लैट खरीदते, जिनसे ये गाड़ी खरीदते, जो भी स्टूडेंट्स को लगता है प्रिंटिंग का बुक्स छापते और फ्री में दे देते, किंतु प्रिंटिंग के लिए पूरा पैसा ही देते क्योंकि सोशल कैपिटल जनरेट होता है। काफ़ी जन बोल रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया लीडर हैं। अच्छा, बढ़िया लीडर का सबसे पहला क्वालिटी क्या होता है? जो स्वराज भारत हम लोग कर रहे हैं गांधी जी के युग से, कांग्रेस ने ही तो स्वराज भारत का कॉन्सेप्ट नहीं लिया। सोचिए हमारे देश में जितने भी कॉरपोरेट लीडर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जनरेट करते हैं, टाटा टाइप्स, बजाज टाइप, तो हमारा देश का 5% GDP अगर इन गवर्नमेंट को ट्रांसफर, ये कॉरपोरेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता, तो हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर हैं जिनको पैसा ये वापस भी नहीं करना पड़ता, तो दे कुड हैव माने क्या बोलते हैं ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, स्किल ट्रेनिंग देते। पर हमारे देश में कॉलेज में पढ़ाई लिखाई क्या होना चाहिए ये वो लोग ठीक कर देते, तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही जनरेट हो जाता। मैंने हमारे देश में जो जनरेट होता अगर ये वर्ल्ड लीडर होते तो सबके सामने सेट एग्जांपल करते, देखो हमने PM केयर फंड नहीं बनाया, हमने कॉरपोरेट केयर फंड बनाया, और कॉरपोरेट के आदमी जो 2% CSR कैपिटल जनरेट कर रहे हैं वो भी डोनेट कर पाते। आपके पाड़ा में, आपके लोकेलिटी में जो छोटे छोटे दुकान हैं वो लोग भी 2% फंड इधर ट्रांसफ़र कर देते, ताकि वर्ल्ड लीडर्स जिसको हम कॉरपोरेट लीडर्स बोलते हैं, जिनके पास ब्रेन्स है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास ट्रेनिंग है, वो लोग हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आज गवर्नमेंट जॉब के लिए 3 लाख जॉब के लिए 3 करोड़ स्टूडेंट 500 रुपया करके इन्वेस्ट करते हैं। ये पैसे के हमारे देश के काम नहीं आता, 100 बार आता, बट हमारे देश के लोग, हमारे देश में जो मूवमेंट चल रहा है यूनियन लीडर्स का एंड ऑपोजिशन पार्टीज का, ये इतने डीमोरलाइज्ड एंड माने ब्रेनलेस पीपल हैं, ये बात ही आज तक पार्लियामेंट में नहीं उठा पाए जो हम लोग क्या कर सकते हैं।
अब हम सम अप करते हैं मेरा जो पूरा थॉट प्रोसेस हमने आपको जो दिया। आप सोचिए, रोहिणी में एक कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हैं, तो आपके वहाँ 900 फ्लैट होगा, 700 फ्लैट होगा। हर किसी को बोलिए महीने का जितना भी वेस्ट है आके जमा कर दें, महीने में एक दिन कुछ स्पेसिफिक टाइम, फर्स्ट संडे शाम 4 बजे से 6 बजे तक। अब कबाड़ी वालों को बुलाइए 6 बजे, जितना भी जमा हुआ वो शायद डबल दाम में बिक्री हो जाएगा। उस फंड से अब 75% आपके जो ये जो क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स है, 65 के ऊपर काफ़ी जन होंगे जिनको हर रोज़ दवाई खाना पड़ता होगा, ऑपरेशन के लिए कॉस्ट लगता होगा, तो 75% इनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सोशल कैपिटल जो तैयार हुआ वो सोशल कॉज में ही काम में लग गया, और 25% आपने लॉयर्स फोरम को दिया। हम एक जन का नंबर दे रहे हैं, अगर आपको लगता हो जो हमारे देश में लॉयर्स लोग इमरजेंसी के लिए आपके साथ जुड़े रहें, 25% फंड इनको ट्रांसफ़र करिए, जो कोई ह्यूमन राइट्स संस्था होगा। तो अभी CAA के कारण देखिएगा, आपके पेपर में थोड़ा सा भी भूल हो आपको कह दिया जाएगा आप देश के नागरिक ही नहीं हो। सबको मालूम है आप देश के नागरिक हो, आप टैक्स दे रहे हो, बट हमारे देश में गरीब आदमी को मैंने नाक में रस्सी लगा कर घुमाने का नाम है इंडियन गवर्नमेंट, और सिटीजन्स का कोई रोल है नहीं। वो मैक्सिमम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता है बट सॉल्यूशन नहीं देता है। तो सिटीजन्स का एजेंडा क्या होगा? टू क्रिएट सोशल कैपिटल, क्रिप्टो करेंसी नहीं, डिजिटल मनी नहीं। क्रिप्टो करेंसी है कि आपके पास नौकरी या काम रहेगा, बिजनेस रहेगा, तब तो आप इनकम कीजिएगा, तब तो आप ऑनलाइन में ट्रेडिंग कीजिएगा। इंडिया के 90% ट्रेडर्स अभी भी कैश ही में डील करते हैं। अगर हमारे देश के सिटीज़न हर महीना ये पैसा जनरेट करते रहे, ये तो क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग हो गया जो पेंशन भी देगा, जो लॉयर्स लोग का हेल्प भी लेगा, और स्कूल और कॉलेज से जो पैसा उठेगा वो होगा स्कूल एंड कॉलेज 50% फॉर देम एंड 50% फॉर फार्मर्स ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया का हर वर्ग को हम लोग जोड़ सकें। वेलकम टू भावना मुख। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये 6 मिनट अच्छा लगा हो तो ध्यान रखिएगा, सिटीजन्स फर्स्ट इंडियाज मूवमेंट विल बी थ्रू भावना मुख, जो मेरे आइडिया के कारण हो रहा है। 1,91,00,000 आदमी हर रोज़ सुबह न्यूज़पेपर, शाम को वो अगर जन्मदिन भी पालन करते हैं तो न्यूज़पेपर जमा करते हैं। और कल बहुत अच्छा लगा, कानपुर से अखिलेश जी ने कहा जो सर जी मेरा वीडियो फिर से अपलोड कर दीजिए, मेरे लड़की का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट हम और भी लड़की लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम बोला सिर्फ एक लड़की के क्यों, आपके खुद के लड़की लोग के लोग क्यों, पूरा देश के लड़कियों लोग के लिए काम क्यों नहीं कर सकते हम लोग। मेरा शब्द शायद थोड़ा जोड़ा गया क्योंकि इमोशनल हो गए थे, बट आई विल नॉट एडिट दिस वर्ड्स। अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप देश के नागरिक हैं, गर्व से कहते हैं हम इंडियन हैं, तो महीने में एक दिन आपके क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स में आकर पुराना जितना भी वेस्ट है जमा कीजिए एज़ पर द सेक्रेटरीज एडवाइस। उसको बेच कर जो फंड बनेगा, 75% आप अपने ही क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग के अंदर एजेड पेरेंट्स लोग को पेंशन दीजिए 6,000-10,000 जितना आप देना चाहते हैं, और 25% लॉयर्स लोग को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमारे देश में जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, पैसे के लिए जेल के अंदर पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट भी उनके ऊपर पैसा खर्चा कर रहा है, तो हजारों लाखों लाखों करोड़ों रुपये का डे लाइट में जो हमारे देश में चोरी चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जिसको लेके आज तक किसी ने नहीं बोला, तो दिस लॉयर्स कैन सॉल्व। हम एक नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, रेस्ट विल बी हिस्ट्री। इफ़ यू वांट इंडिया टू राइज विथ योर ओन हैंड्स, दिए आपने बहुत जलाए होंगे, दिवाली में जलाए होंगे, शायद रोज ही दिए जलाते होंगे, पूजा भी करते होंगे, इंसान का पूजा कीजिए, बाबा माँ का पूजा करिए, संतान का पूजा करिए और भविष्य का पूजा करिए। सो इंडिया है साइंटिफिक यूनियंस ऑल अराउंड। JNU का जो केस हमने देखा, इतना रोना आ रहा था कि हमारे देश के सबसे ब्राइटेस्ट सेंटर में बच्चे लोग हमारे क्या नवरात्रि में क्या खाएंगे, इज दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक एट ऑल? अगर राम जी रहते तो बोलते जो मंगल में जाने का तैयारी करो, मेरे नाम से क्या खाना खाओगे, ये लेके कॉन्ट्रोवर्सी मत करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आई एम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावना मुख, 9830379639। धन्यवाद। हमारे संस्था, हमारे ग्रुप मैंने नेहरुनगर व्हाट्सएप ग्रुप मानुष मानुषर जन्े हम 365 दिन मानुषर पास थी, खबर कागजे माध्यम पेंशन देया, विभिन्न भावे जोगान देया इत्यादि हमें करी।
আমরা মানুষের পাশে আছি এবং আছি, ভবিষ্যতে থাকবো।